और लाती थी, सिल के इनको देती थी, इसीलिए मैंने इनको बुलाया है। मेरी माँ के आंख में आंसू था, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, ताकि भी आ गया। आइए इस तरफ आइए, अपना जिसको पढ़ लें, ताकि आ जाओ, इस तरफ आओ। अब रक्षाबंधन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। शास्त्र के हिसाब से भी गुरु जी ने बताया कि रक्षाबंधन के हिसाब से और सारे मुख्यमंत्री बैठे रहो, कोई भी अलग अलग नहीं, बिल्कुल इतना से आप लोग बैठे रहिएगा। फटाफट थोड़ा शांति बनाए रखिए, बस प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये जो इनके पुराने लोग हैं, वो जाति जो वगैरह है, उनसे पक्का करेंगे, बस निकल जाएगा। बस आगे हैप्पी रहिए, आप लोग करते जरा फटाफट आइए आइए मैडम आइए, इस तरफ निकल बेटा, साइड में निकल आइए, सही मना रहे थे। अब तक बस प्रोग्राम शुरू हो गया, फटाफट हो जाएगा काम, आइए इस तरफ निकल जाए, ठीक है। और दूसरा रीजन और है, मेरा एक छोटा सा भाई था जो मेरा सब कुछ था, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और उसके बाद मुझे भैया बोलने वाला चला गया। तभी मैंने कसम खाई थी कि मुझे भैया अब इतने लोग बोलेंगे कि शायद वो जो भैया सुनने का डर था मेरे कान में उसे मिटा सके। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे जो भी है सब ठीक है। प्रॉब्लम से देखिए कि आज मैं कोर्ट में जब भाइयों को लड़ते हुए देखता हूं, भाई बहन प्यारे प्यारे बच्चे सब, मैं अपनी तरफ से सूचित कर रही हूं कि ये बच्चे को हम लोग जन्म से ही जानते हैं, ये हमारे साथ पले और बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, आगे आगे बढ़े हुए हैं, सब ऊपर वाले की कृपा है। ऐसा मैं आप लोग को ये सूचित करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये अनजाने नहीं है, हम लोग इनको जन्मों से देख रहे हैं, हमारे सामने ये बच्चा बड़ा हुआ है, यहाँ आप लोग की सहायता में हमेशा मदद करेंगे। थैंक यू। आप मुझे भैया भाई बेटा ही बोलेंगे, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, बहनों का ताता बढ़ता जाएगा, अगले साल तक 1,00,000 बहनें होंगी और 1,00,000 राशि बनवाई जाएगी, ये मेरी कसम है। और मेरी माँ की कसम, अगर मैंने आपको बहन बोला है, रात को 2 बजे फोन करना और पूछना, अगर आपको जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, अगर वो मैं नहीं किया तो उस राशि की लाज उसी दिन खत्म। आज आप मेरी बहन हैं, आज आप मेरी माता हैं, आपकी बेटियां मेरी भांजी हैं, और उनकी सारी जिम्मेदारी जितनी मेरी या जितना मैं कर सकता हूं वो मेरी है। आज से कोई भी भांजी, मैं आज सब आज यहां बुलाया हूं, कल से आपके यहां आऊंगा, हर दरवाजे पे आऊंगा, हर उस बेटी को मिलूंगा जो पैसे के वजह से पढ़ नहीं पा रही है। बेटी पढ़ेगी तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा क्यों? अगर
बेटी पढ़ेगी तो उसको उसका पति लात मारेगा क्यों? अगर बेटी को पढ़ाओगे तो उसे डिवोर्स देगा क्यों? कोई नहीं देगा। आज भारत जो लोग औरतों को गुलाम बना के रखते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो औरत पढ़ी लिखी नहीं है। अगर मेरी बहन, अगर मेरी भांजी अगर पढ़ी लिखी होगी और अगर वो अच्छी एम्प्लॉयड होगी, आज ये जो मेरी बहनें खड़ी है ये वकील है, क्या कोई इनको मार सकता है? क्या कोई इनको दबा सकता है? क्या कोई इनको डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है। इसीलिए आज के दिन ये मेरी कसम है कि अगर आपकी बेटी, क्योंकि जब मेरी मां को भी मेरे पिताजी को भी हम तीन भाई बहनों में पढ़ाने का ऑप्शन चुनने का मौका मिला तो मेरी मां ने और मेरे पिताजी ने भी मुझे पढ़ाया, मेरी बहन को नहीं पढ़ाया। इसीलिए वो आज दसवीं फेल रही और मैं भी किया। वो घटना दोबारा ना हो, वो मैं चाहता हूं वो फिर से ना हो और जितने लोगों तक मैं जा सकूं उसे पूरा करना है। आपसे सिर्फ एक चीज, आज मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे सिर्फ एक प्यारा शब्द, भैया भैया भैया, मेरे गाड़ी का नंबर है 5151, उस गाड़ी का नंबर का फाइव, सारी गाड़ियां मेरी 5151 है। उसका कारण ये है कि जब हम उसको मराठी में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है दादा, और दादा का मतलब होता है महाराष्ट्र लैंग्वेज में भैया। इसी चीज का भूखा हूं मैं बस, बाकी तो ईश्वर ने जितनी जरूरत है सब दिया है, और बाकी तो पेट ना भरे तो पूरी दुनिया आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो ये मेरी चाचियां हैं जिन्होंने इसलिए मैं उसको नहीं ला सका, यही एक रीजन है। मुझसे बहुत बार सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो नगर सेवक बन जाइए, आप आमदार बन जाइए, आप मिनिस्टर बन जाइए। अरे काम करने के लिए आमदार नहीं दिलदार होना चाहिए, दिलदार। अगर आपके पास दिल है तो काम करो, और अगर आप चाहोगे तो आप जहां के आमदार हो वहां का कोई भी आदमी दुखी नहीं रह सकता है। उसके लिए आमदार नगर सेवक बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं, जनता वोट देगी कि नहीं, मैं इससे मिलूं कि नहीं, मैं उससे मिलूं कि नहीं, मेरे को वोट मिलेगा कि नहीं। अरे तुम्हारे अंदर दम है तो एक 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 को आप एक एक करके एक को मदद करो, नहीं करेंगे। वोटिंग के दिन होगा वो, लेकिन मुझे उस विषय में नहीं जाना है। मैं अपने परिवार में हूं, मेरा परिवार है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, हम लोग एक साथ हैं। ये परिवार दक्ष परिवार है, दक्ष परिवार इतना सक्षम है कि अपनी सारी बहनों को जो भी चीज है कानून से संबंधित जो भी है, जो हम कर सकेंगे सब करेंगे, नहीं कर सकेंगे तो लड़ेंगे, नहीं कर सकेंगे तो मरेंगे, नहीं तो रोड पे धंधा करेंगे, लेकिन करेंगे। कार्यक्रम का मकसद, मेरा नाम एडवोकेट सुनील कुमार है। कार्यक्रम का कोई मकसद नहीं है, आज के प्रोग्राम का सिर्फ एक ही नारा है, भाई और बहन का नारा, और भाई और बहन के बीच में कोई मकसद नहीं होता। जैसे कि आपने घोषणा की थी कि आप महिलाओं के मुफ्त में केसेस लड़ने वाले, कैसे लड़ने वाले हो, किस तरह से केस लड़ने वाले? जितनी भी महिलाएं हैं उनकी बेटियां हैं, उनका जो हमने घोषणा की थी कि हम उनका केस लड़ेंगे, उसके लिए आज भी हम तैयार हैं। उसके लिए हमारी टीम बन चुकी है, बन रही है, और भी हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करते करते हम जिन लोगों को फ्रॉम बॉटम टू टॉप जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो संस्था स्थापना की गई है दक्ष नागरिक फाउंडेशन, ये संस्था का मकसद क्या है और अब तक ये संस्था के द्वारा क्या काम किया है? दक्ष नागरिक फाउंडेशन, दक्ष मतलब अलर्ट, संस्था का मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, संस्था पूरी तरह से फोकस कर रही है औरतों के विकास पे। क्योंकि जब
इसका प्रेरणा स्रोत मैं खुद हूँ, क्योंकि जब मैं गरीबी के दिन काट रहा था और मेरे मम्मी पापा को मुझे और मेरी बहन को पढ़ाने के लिए ऑप्शन चुनना था तो मुझे पढ़ा दिया और मेरी बहन को छोड़ दिया। तो अब मैं नहीं चाहता कि कोई बहन छूटे, कोई बेटी छूटे, जितना कोशिश होगी उतना हम लोग उसको आगे ले जाएं। सर, जिस तरह आप महिलाओं को उनके कानून का अधिकार आप दिलाने के लिए आप आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि महिला कानून का दुरुपयोग करने के लिए आप आएंगे? देखिए, जो मैंने वचन दिया है वो मैंने अपनी बहनों को दिया है, और कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अगर मैंने अपनी बहनों को वचन दिया है, राखी बंधवाया है, तो चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, मैं हूँ उन्हीं के साथ। लेकिन आपने कुछ बच्चों को भी गोद लेने का जो है कर लिया है, तो किस तरह के बच्चों को आपने गोद लिया और उनकी कैसे व्यवस्था करने की योजना बनाई? बच्चों को गोद लेना मेरे बस की बात नहीं है, वो ईश्वर ने दिया है और जिनको दिया है वो उनका उनके लिए प्रसाद है। मैं उन बच्चों के लिए सिर्फ बैसाखी बनना चाहता हूँ, जिस तरह से एक एनजीओ मेरे लिए बैसाखी बनी थी, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि उनको जो समस्या है उसमें थोड़ा सा मैं सहयोग कर सकूँ। अभी मेरी संस्था मुंबई लेवल पे ही काम कर रही है, क्योंकि हम उतना ही करना चाहते हैं जितना डिलीवर कर सकें। हम डेमो पीस नहीं तैयार कर रहे हैं, हम ओरिजिनल तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं। ऐसी कोई योजना है? मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं डिमांड करना चाहता। मैं आज यहाँ पे साड़ी बदलने का कार्यक्रम रखा है, कुछ अपने बहनों को इकट्ठा किया है कि आप साड़ी देने वाले हैं, तो कैसे लिस्ट तैयार की है उसके बारे में? इसकी लिस्ट तैयार करने के लिए मुझे किसी अनुभव की जरूरत नहीं है, जहाँ से ये बहनें आई हैं वहीं मैं रहता था 27 साल, तो मैं सब इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं खुद मिला हूँ और मैंने खुद बुलाया। आज यहाँ पे कुछ कितनी महिलाओं को साड़ी कितनी? कम से कम 1200। संदेश तो पहली प्रथम महिला ने ही दे दिया है, राष्ट्रपति मुर्मू ने। मेरा संदेश मैं क्या दूँ, उन्होंने ही दे दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो वो संदेश उन्होंने दिया है उस संदेश में अगर मैं कहीं उसका एक अंश भी बन पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। काफी दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ तक कि आपने कहा कि साड़ी दे रहे हैं और इसे बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आए हैं, और आपने आज के दिन ही रक्षाबंधन के त्योहार पे अपने संस्था का प्रोग्राम क्यों रखा? देखिए, भाई को बहन से मिलने के लिए और बहन को कुछ देने के लिए कोई मुहूर्त, कोई अवसर, कोई दिन की जरूरत नहीं है। आपने जो दक्ष नागरिक का प्रोग्राम रखा है आज रक्षाबंधन के दिन पे रखा है, जैसे कि आपको पता है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। नहीं, कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है इस टाइम पे आपने अपना प्रोग्राम रखा है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो प्रोग्राम मैंने रखा है इसका मेरा खुद मैं इसका सोर्स हूँ, उसका रीजन ये है कि जब मेरी माँ ने मेरे मामा को साड़ी भेजी थी, तब मेरे मामा ने बोल दिया था मेरे पिताजी को कि एक साड़ी के लिए राखी लेके चले आए, तो इस प्रोग्राम को इसलिए रखा है ताकि मेरी कोई ऐसी बहन ना हो जिसके भाई ऐसे बोल दें या जिसकी भाभी ऐसा बोल दें कि एक साड़ी के लिए राखी लेने क्यों आए। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज रखा है, ताकि कल ये साड़ी पहन के अगर इसमें से कोई एक ऐसी भी बहन मेरी निकली जिसके पास कोई साड़ी ना, और मेरी पहन के अगर वो रक्षाबंधन मनाएगी तो ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। आपके कहने का मतलब ये है कि आज आप लोगों के भाई बन रहे हैं और कल के टाइम में आप उन सभी जो भी स्त्रियां यहाँ आई हैं, यहाँ पे जो भी मौजूद है, कल का आप इनका सपोर्ट करेंगे, प्लस जो भी बच्चे हैं उनका भी सपोर्ट करेंगे 100%। सर, इसके अलावा आपकी संस्था और क्या कुछ काम करती है उसके बारे में बताइए? नहीं, हम लोग जितना कर सकते उतना ही बोलते हैं। हम सिर्फ महिलाओं, यहाँ जितनी बैठी हैं महिलाएं वो मेरी बहनें हैं, उनकी बेटियां मेरी भांजियां हैं, और मैं जानता हूँ कि यही बेस है। अगर हमने महिलाओं को या बेटियों को एजुकेटेड कर दें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है वो अबॉलिश हो जाएगा। सर, जिस लेवल पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है बहुत बड़े लेवल से, इस लेवल पे तो MLA और MPs भी नहीं करते हैं, तो क्या इस कार्यक्रम को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है? नहीं, यहाँ तो भाई बहन है, परिवार है, ये तो परिवार है, ये मेरा अपना प्रेम है, और अगर आप लोग रुकेंगे तो मैं जब अपने स्पीच में बोलूंगा तो आप सुनेंगे कि उसका रीजन क्या है।
जब एक इंसान किसी को कहता है कि मैं आपका भाई हूँ तो सारी लेडीज उसके साथ कंफर्ट हो जाती है। तो बस इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो भी औरतें हों जिनकी कोई प्रॉब्लम्स हों वो खुद भाई बहन बन के भाई के पास आए और अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें। बस इस प्रोग्राम का मकसद यही है। हाँ बस इसलिए ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है ताकि सारी औरतों पर भरोसा हो जाए कि नहीं हमारा कोई भाई है। क्योंकि अक्सर क्या होता है औरतों के साथ कुछ गलत होता है तो वो जल्दी से कहीं जा नहीं सकती किसी से कह नहीं सकती। अब यहाँ क्या है उनको पूरी छूट दी जा रही है कि कुछ भी हो आप हमारे पास आ सकते हो। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी औरत हो उसे जुल्म नहीं सहना चाहिए। कोई भी तकलीफ हो तो उसे खुल के लोगों से बात करनी चाहिए ताकि उसका सलूशन निकले। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे संग हमेशा गलत होगा। नमस्ते। आज सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं है ये जो प्रोग्राम है ऑल टुगेदर हो गए हम सारी औरतें इकट्ठे हुए और बड़े भाई है वो हमारे सिर्फ हमारे नहीं है सबके तो हम बहुत खुश हैं उनसे मिलके। आज रक्षाबंधन का एक पवित्र बंधन है जिनमें और भी औरतें सारे लेडीज है हम एक प्रोटेक्शन फील करते जो भैया है और ही इज़ रियली सपोर्टिंग सबको सपोर्ट करते हर तौर पे हर फेस पे। तो आज बहुत टाइप की फीमेल यहाँ पर है जो अपना तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भैया को एक सबसे बड़ा उनके सामने एज अ पेरेंट्स है एज अ सपोर्टर है। तो फॉर अ फीमेल इज़ अ वेरी गुड मैसेज एंड वेरी गुड रिलेशन जो आज हम एक प्रोग्राम के तौर पे हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं जो रक्षाबंधन है। ये मुझे मेरी बड़ी बहन है इन्होंने ना हर एक औरत के घर घर जाके सपोर्ट किया है सबसे पूछ के आपको क्या प्रॉब्लम है। अब हमारे इधर ही मैं बताना चाहूँगी मेरे ही घर के सामने एक छोटी बहन रहती है अपना घर पूरा संभालती थी मतलब उनके माँ तो एकदम मतलब काम नहीं करती बाप है नहीं एक छोटी बहन एक बड़ी बहन थी बड़ी बहन की औरत हो गई उनका पूरा घर का खर्चा ये और भाई संभालना मैं यही बोलना चाहूँगी और ऐसे ही इनको दुआ दीजिए ऐसे सपोर्ट कीजिए कि आगे बढ़ते रहें।